हाय दोस्तों, आई एम सक्षम और आज मैं फिर से आप लोग के सामने आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे और बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं इस लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन के कारण जिन लोग का जॉब गया है तो उन लोग का मैसेज और कॉल्स आते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ठीक हूँ। मेरा नहीं गया है और जाएगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो अब मेरे को काफ़ी सारे सवाल और क्वेश्चन आए हैं, तो उस सब का मैं इस वीडियो में मैं आंसर देना चाहूँगा कि मतलब जिन जिन लोग का जॉब गया है लॉकडाउन में, और मैंने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उसका मैंने एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन का मैक्सीट तैयार किया हूँ। और एक्चुअली यू नो मेरा एक्सपीरियंस, आई एम वर्किंग इन IT और मेरा कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट 4 ईयर इन, मतलब चौथा साल कंप्लीट होने वाला है अगले साल 2021 में। सो एज यू नो आई यूज़ टू गिव ट्रेनिंग KT सेशंस एंड ऑल इन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। सो मेरे कुछ जानने वाले, मेरे मित्र, मेरे कुछ दोस्त, मैं सबका मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा लेकिन कुछ मैंने चुनिंदा सवालों का मैं आज आंसर देने वाला हूँ। और तो मैं पहला शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो पहला मैं यहाँ पे क्वेश्चन, मैं विवेक कुमार नोएडा, तो उनका एक क्वेश्चन है, आई लॉस्ट माई जॉब ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, आई यूज टू वर्क विथ मैनुअल टेस्टिंग जावा सिलेनियम एंड नाउ आई एम जॉबलेस। ओके, तो विवेक भाई, जैसा कि आपका कॉल आया था तो मैंने आपको पहले बताया था, और इसमें इन्होंने लिखा है कि माई ब्रदर इज टेलिंग टू लर्न डेवऑप्स एंड पाइथन, सो अभी इनका जॉब चला गया है, 2 साल एक्सपीरियंस है, और वो एक मैनुअल टेस्टिंग और मतलब QA में एज ए QA काम करते थे और इनका जॉब चला गया है। अब इनका दोस्त और इनका भाई बोल रहा है कि तुम इस फील्ड में ट्राई करो, उस फील्ड में ट्राई करो, तो भैया ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। पहली बात यह है कि आप एज ए मैनुअल टेस्टर जॉब कर रहे थे और जावा सिलेनियम एज ऑटोमेशन टेस्टर जॉब कर रहे थे, 2 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तो इसमें आपकी जॉब चली गई है लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना COVID-19 की वजह से, तो भैया आपको मेरा बात मानो या ना मानो, मैं एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ और आप लोग को भी बता रहा हूँ जिन लोग का जॉब गया है, भैया कहीं पे मुँह मारी के चक्कर में मत पड़े, ठीक है। अभी आपका जॉब गया है तो आपका पहला ये है कि जॉब लेना है, तो आप जिस चीज़ में काम करते थे वही पहला प्रायोरिटी उसको रखिए, और उसमें आप स्ट्रांग होइए, और उसमें जहाँ जहाँ पे आपको आपको लगता था कि मैं इस टॉपिक पे लैग कर रहा हूँ और जो भी, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए रादर देन कि आप नया कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, भैया नॉट एट ऑल। अभी आप जिस चीज़ में काम कर रहे थे और कर रहे थे, आपकी जॉब चली गई है इस COVID-19 और जो भी है, जो कोरोना वायरस और पता नहीं क्या सब है इसके वजह से, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप जिसमें थे उसी में जॉब जॉब सर्च करना स्टार्ट कीजिए और उसमें ही आप स्ट्रांग बनना, एक ही फील्ड में आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कीजिए रादर देन कि आपको ये सीखना है, वो सीखना है, पाइथन सीखना है और आपको SQL सीखना है, आप एज ए मैनुअल टेस्टर काम कर रहे थे और ऑटोमेशन टेस्टर जावा पे काम कर रहे थे, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो विवेक कुमार जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जावा सिलेनियम पे काम कर रहे थे उसी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैनुअल के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको, आप कहीं भी इंटरव्यू फेस देने जा रहे हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, दिमाग उधर उधर नहीं लगाने का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, सस्मिता मिश्रा, आई वॉज वर्किंग इन जयनगर स्टार्टअप एज ए प्रोडक्ट टेस्टर एंड फुल आई हैव 1.3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग, आई डोंट नो ऑटोमेशन, सो हाउ कैन आई गेट ए जॉब। सस्मिता जी, तो देख लीजिए आपकी जॉब चली गई है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है,
और जयनगर लोकेटेड इन बैंगलोर। सो आप क्या कीजिए, कोई बात नहीं है, टफ टाइम है और इसमें पेशेंस और इस सब चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इधर उधर सोचने के बजाय आप मतलब स्टडी में फोकस कीजिए। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जैसे मैनुअल में थी तो उसी का टॉपिक्स और कंसेप्ट को मतलब काफ़ी ज़्यादा सीखने का कोशिश कीजिए, और जहाँ जहाँ लैक कर रही थी उस चीज़ को ओवरकम कीजिए। और उसके बाद आपके लिए एक सजेशन है कि आप ऑटोमेशन स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेशन लर्निंग ऑटोमेशन। और इसके लिए मैं आपको साइट्स बताता हूँ कि यूडेमी में जाके 400-500 रुपये में कोर्स आती है, वहाँ से अपना स्किल्स इंप्रूव कीजिए। कि इधर उधर की सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है कि लॉकडाउन है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कुछ नहीं। पहले अपने आप को बिल्डअप कीजिए, स्किल्स आपको अच्छा रहेगा, यू विल पक्का गेट अ जॉब, यू विल 100% 110% गेट अ जॉब। ठीक है, ये टफ टाइम है, इसमें पेशेंटली सब चीज़ को हैंडल करना सीखिए। ठीक, तो ये मैं आप लोग आपको बताना चाहता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सही टाइम पे सही चीज़ होने वाला है और होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, और ट्राई टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स, लाइक डिमांडिंग थिंग्स, लाइक यू यू ऑलरेडी मेंशन्ड आई वॉन्ट टू लर्न ऑटोमेशन, देन आई टोल्ड यू ना राइट नाउ वी कैन नॉट गो फॉर ऑफलाइन क्लासेज, एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द गुड ट्यूटोरियल्स एंड जो वीडियो सीरीजेज होते हैं वहाँ पे जाके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल, लर्न ऑटोमेशन, यू विल पक्का गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, आई एम 100% श्योर। थर्ड क्वेश्चन, विनोद राजपूत, हैविंग 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्यू ए वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर इन, जे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द कंपनी नेम। अच्छा, ये कंपनी आपको फायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस है ना। आप अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए कि ठीक है, मेरे को एक पेपर और पेन लीजिए, और ठीक है आपकी जॉब, मान ली कि आज मैं कौन सा डेट है, 14 जुलाई है, ठीक है आपकी जॉब गई है, पेपर पेन और स्टिकी नोट और एक्सेल शीट में आप और आपका और आपको क्या क्या सीखना है, कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, डे बाई डे वहाँ पे फोकस कीजिए। नौकरी साइट पे अपना naukri.com है, और जितने भी जॉब जॉब साइट्स हैं वहाँ पे अपना अपडेटेड CV डेली अपडेट कीजिए, और जो भी स्किल्स है, और ट्राई टू लर्न न्यू न्यू थिंग्स टॉपिक्स। ठीक है, और उसके बाद आपके मैनुअल में थे तो ट्राई टू लर्न ऑटोमेशन। सो इफ़ यू वांट टू सजेस्ट यू इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज अपकमिंग, देन आई विल सजेस्ट यू यू शुड हैव टू लर्न जावा सिलेनियम फर्स्ट, देन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन जावा, गो फॉर पाइथन सिलेनियम एंड अदरवाइज सो मेनी टूल्स आर देयर, यू कैन गो फॉर मोबाइल टेस्टिंग एंड लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, कि नहीं कि मेरा जॉब चला गया, मैं मतलब बहुत ये हो गया कि मेरा कहीं नहीं जॉब लगेगा, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, ठीक है जॉब ही तो गया है भाई, हमारे में सब कुछ रहेगा तो हमको जॉब कोई और कोई कोई दे देगा ना। ठीक है, कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाएगा, तो मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज़ को लेना शुरू कीजिए, इस चीज़ को मतलब पॉजिटिव। आप जितने भी देखिए, एक नकारात्मक बिहेवियर लोगों में होता है, निगेटिव थिंकर, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब उनके साथ आप बात करोगे ना, तो आपको मतलब एक डिमोरलाइज टाइप से आंसर देंगे कि नहीं मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मतलब दुनिया ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा जॉब चला गया है, तुम कहीं के नहीं हो। ठीक है, तो ये सब चूतिया पा है। ठीक है, सो डोंट थिंक टू मच, जस्ट स्टार्ट, यू हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू वर्क ऑन मैनुअल मैनुअल SQL, ओके, सो ट्राई टू ब्रश अप दोज कंसेप्ट ओनली, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जहाँ जहाँ पे लैग कर रहे थे उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड और इन दिस वीडियो कमेंट, और यूट्यूब पे आप जाके कर सकते हैं। अनुज लोहार, वेन यू आर रिलीजिंग ट्यूटोरियल वीडियोज़? सो भैया एक्चुअली अभी मैं बहुत मतलब मेरा भी शेड्यूल मतलब बैलेंस नहीं है, सो गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू रिलीज माई कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज वीडियोज़ ऑन स्किल बाउट, स्किल बाउट
मतलब एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल है, और जहाँ पे हम लोग, मतलब मैं नहीं, सॉरी, मतलब मैं अकेला नहीं, मतलब हमारे ग्रुप ऑफ पीपल है, जहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जावा, सी और मैनुअल टेस्टिंग, एसक्यूएल, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो भी अपकमिंग और मतलब अपडेटेड स्किल्स है, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और वी कैन से लाइक डिमांडेड स्किल्स और डिमांडिंग स्किल्स. सो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू रीच आउट टू यू गाइस एंड रिकॉर्ड ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज इन द फॉर्म ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. सो नो नीड टू वरी एट ऑल. सो आई एम ट्राइंग टू रिलीज माई मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट वीडियोज एज वेल एज ऑटोमेशन टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ पाइथन सिलेनियम और वी कैन यू कैन से लाइक कैटलॉन स्टूडियो. सो गोइंग फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ सिक्वेंस और सिक्वेंशियल मैनर. ओके, सो नॉट लाइक आई एम गोइंग टू रिलीज फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर 4-5 डेज आई एम गोइंग टू रिलीज लास्ट सेशन और मिड सेशन. सो आई एम नॉट सच काइंड ऑफ पर्सन एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो आई वॉन्ट द थिंग्स इन अ प्रोसेस और इन अ मैनेजीरियल ऑर्डर, और मीन्स समथिंग वी आर गोइंग टू डू, सो वी शुड हैव टू टेक द थिंग्स एज ए पॉजिटिव एंड एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड. सो अकाउंटेबिलिटी अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हो. सो अभी मतलब मेरे पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, तो मैं ये सब चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी मी ऑन नॉट ऑन दिस चैनल. यू विल सी सच काइंड ऑफ वीडियोज ऑन स्किल बाउट. स्किल बाउट हमारा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आपको सारा वीडियो सीरीज मिलेगा. और आपके जो भी दोस्त अगर फ्रेशर हैं, उनको किसी एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, क्वांट में, और मतलब C++, जावा, जो भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, वहाँ पे कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो देन गो टू आवर चैनल स्किल बाउट ऑन यूट्यूब एंड योर डाउट्स एंड ऑल विल बी क्लेरिफाइड विद मल्टीपल प्रोफेशनल्स. एंड इफ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, और इफ वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द इशू, देन यू कैन कमेंट इन माई वीडियो ऑल्सो एंड ऑन योर स्किल अबाउट वीडियो ऑल्सो. सो नो नीड टू वरी एट ऑल. ठीक है, मेरा वीडियो रिलीज होगा. आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे कर रहे होंगे, आई होप. ठीक है, चलते हैं आप दूसरा कमेंट पे. पंकज कुमार सर, आई वाज स्टेइंग इन मारथली, आई एम ए फ्रेशर एंड देन आई केम बैक टू औरंगाबाद. भैया तो आप क्यों गए औरंगाबाद? अच्छा, लॉकडाउन हो गया था इसके कारण. ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं. तो आप मारथली में रह रहे थे, आप एक फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे थे, फिर लॉकडाउन हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर से अभी आप घर पे हैं. तो आप ऐसा कीजिए कि यू मेंशन यू आर फ्रेशर, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू फ्यू थिंग्स लाइक फर्स्ट इफ यू आर फ्रेशर देन ट्राई टू लर्न द न्यू न्यू कॉन्सेप्ट इन एप्टीट्यूड देन रीजनिंग एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक सी जावा. और हाँ, यही है फ्रेशर के लिए, यही दो है. मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट को, घर पे भी है तो आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, एप्टीट्यूड इस समय स्ट्रॉन्ग कीजिए. और अगर आप आईटी में, ऑफ कोर्स आप बेंगलोर में आए हैं तो आईटी में जॉब ढूंढने आए हैं, ऐसे तो नहीं कि कॉल सेंटर में कहीं भी लग जाए तो चलेगा. सो नॉट सच काइंड ऑफ थिंग्स. देन जस्ट फोकस ऑन योर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट देन पिंग मी और कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो आई डोंट हैव मच मोर टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग्स इन दिस वीडियो. सो जस्ट इट्स अ क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो आई एम गोइंग टू कवर फ्यू मोर कमेंट. ओके, तो ठीक है, तो आप फिर से घर से जब सब कुछ चीज़ ठीक होता है तो यहाँ पे आइए और जॉब आपको हो जाएगी इफ़ यू आर एक्यूरेट इनफ एंड इफ़ यू आर लर्निंग इन अ कंटिन्यूअस मैनर. सो नो नीड टू वरी एट ऑल, आई टोल्ड यू. एंड इफ़ यू वॉन्ट साइट्स एंड ऑल्स, तो सो एप्टी के लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक फॉलो कीजिए, और इंडिया बिक्स हो गया, M4 मैथ हो गया फ्रेशर के लिए, तो वहाँ पर जाके एप्टी, रीजनिंग है सब. और कंपनीज का, अरे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन और जो भी. ठीक है, चलेगा आई थिंक. तो वहाँ पे जाके आप
वहाँ से आपको एप्टी रीजनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, कल बात करते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ जाना है, टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट का वीडियो बन गया यार। एंड सुमित अग्निहोत्री, आई एम इन जयपुर, माई फ्रेंड गिवेन योर नंबर, आई लॉस्ट जॉब, आई हैव 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। भैया सुनील जी, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है एज ए क्यू ए, सो मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत दुख है कि मतलब ऐसा हुआ आपके साथ। तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, आई थिंक यू आर लीड, मतलब लीड रोल पे होंगे आप, या जो भी सीनियर लेवल पे होंगे अकॉर्डिंग टू मी। सो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है कि आप मतलब कंटिन्यूअस मैनर में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब जितने भी जॉब जॉब साइट है वहाँ पे। और उसके बाद आपको जो जो चीज़ में लैक हो रहे हैं, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, देन इट्स अ टाइम, अभी मतलब टाइम आपको मिला है कि आप अपने आप को 2-3 महीना में प्रिपेयर करके और आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और ट्राई टू, अगर आपके पास दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, तो आप वहाँ पे अपना रेफरल के लिए उन लोग से अप्रोच कीजिए। ठीक है, और घबराने की कोई बात नहीं है, टाइम ख़राब है, ठीक है, पेशेंटली हैंडल करने का है। और हो सके तो मेरे को एक बार CV भेजिए, ठीक है, और मेल ID मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर आपसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे पास टाइम अभी नहीं है ज़्यादा, तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ इतना ज़्यादा। बट घबराने कोई बात नहीं है, टुमारो वील डिस्कस, और नॉट इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक और सेट अप अ कॉल, इफ़ यू आर कॉलिंग मी एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर योर कॉल, देन आई विल कॉल बैक, आई विल डू कॉल बैक ऑन संडे और सैटरडे, और जस्ट पिंग मी योर नेम एंड नंबर। कमलेश राठौर, वी आर सेम ईयर पास आउट फ्रॉम आगरा 2015, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग जॉब इन निखिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सजेस्ट मी न्यू न्यू थिंग्स टू लर्न नाउ, आई एम बोर्ड। अच्छा भैया, तो ठीक है, आप मेरे बैचमेट हो, आप मतलब टीचिंग कर रहे थे, अब आप उसमें बोर हो रहे हो, तो मेरे को थोड़ा डीप चाहिए कि 15 और 5 20 साल, मतलब नॉट 20 साल, 15 5 20, 2020 हुआ, मतलब 5 साल का गैप हो गया। ठीक है, आप IT में आना चाहते हैं चाहे जो भी, तो ठीक है, मैं मेरे को सेपरेटली पिंग कीजिए, विल डिस्कस, आई डोंट नो मच मोर थिंग्स अबाउट यू। सो कमलेश राठौर, यू कैन पिंग मी, विल डिस्कस देयर इन सेपरेट फोरम। एंड ज्ञान सागर पांडा, वी मेट इन क्यू स्पाइडर इन 2016, नाउ आई एम जॉबलेस। बाप रे, मैं क्या बताऊँ भाई। तो अब इसके लिए यू आर जॉबलेस। सो अभी तो भाई कोरोना का टाइम है, बहुत लोग जॉबलेस हैं। अब क्या क्या रीज़न हुआ, तुम कैसे जॉबलेस हो और ये सब कैसे हुआ, सो मेरे को जानना है। और क्या स्किल सेट है आपका और कैसे क्या है, मैं बताना चाहूँगा। तो आप मेरे को पिंग कीजिए, सेपरेटली पिंग कीजिए इंस्टा पे। और मैंने अपना ओल्ड इंस्टा अकाउंट डिलीट किया है, तो अभी मेरा एक न्यू इंस्टा है 18 SAC के नाम से, वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। और नंबर ठीक है, वहाँ पे बात करके नंबर मिलेगा, मैं बात करूँगा आपसे, ठीक है, हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, विल डिस्कस लेटर। प्रिया कुमारी, हाय सक्षम, मैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन कुडलू गेट में एयरटेल कॉल सेंटर में काम करती हूँ, मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो के प्रिया मैडम, तो ठीक है, तो जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, कि आप कहीं पे नॉन टेक जॉब कर रहे हैं। इफ़ यू आपको मतलब टेक्निकल जॉब करना है और टेक्निकल जॉब में जाना है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और मेरे को थोड़ा डिटेल जानना पड़ेगा कि मतलब वेयर यू वांट टू मूव, बिकॉज लॉट ऑफ सेक्टर्स आर देयर, लाइक IT, टेलीकॉम, बैंकिंग। बैंकिंग इज़ नॉट लाइक गवर्नमेंट बैंकिंग, और गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन तो आप वैसे भी अभी कर सकते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट आपके कमेंट से ऐसा लगता है कि ठीक है, छोड़िए, कैसा लगता है वो मैं बाद में बात करूँगा, जस्ट पिंग मी इन कमेंट। ठीक है, हो जाएगा मैडम, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, और IT वाइटी ये सब करके, ठीक है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, तीर नहीं है कि नहीं होगा, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, हो जाएगा मैडम, ठीक
ठीक है पिंकी जी, बात करते हैं आपसे। अर्पित सक्सेना, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग मोटिवेशनल वीडियोस मोर, व्हाई यू डिलीटेड वीडियोस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट। अर्पित शर्मा, एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे को, मतलब कुछ निगेटिव कमेंट आ रहे थे जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा प्लेलिस्ट डिलीट कर दिया। तो मेरे को अब वो चीज़, मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है कि आई शुड नॉट सपोज टू डू, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, होगा होगा, आई एम ट्राइंग टू कम बैक अगेन एंड ठीक है, मैं बनाऊंगा वीडियो आपके, आपने बोला तो मैं बनाऊंगा वीडियो। कुमुद पांडा, ब्रो गिव मी योर नंबर, आई नीड टू टॉक टू यू, आई एम इन पूरी पूरी उड़ीसा। ठीक है नंबर, ठीक है नंबर मैं आपको पिंग करता हूँ, ठीक है, मतलब आप मेरे को पिंग करो कहीं पे, कहीं भी, फेसबुक और इंस्टा और कमेंट में, मैं आपको एक बार कॉल बैक करूँगा। ऑफ कोर्स कोई बहुत परेशान लग रहे हैं, मेरे को कॉल बैक करना उचित बनता है, ठीक है, परेशान नहीं होने का, ठीक हो जाएगा सब। विष्णु मजूमदार, यू आर इनएक्टिव, इनएक्टिव हैं, डिलीटेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन योर चैनल। भाई तुम भी यही चीज़ पूछ रहे हो, ठीक है। तो नहीं, मैंने डिलीट किया, कुछ रीज़न के कारण मैंने डिलीट किया, क्योंकि आपके भाई लोग ना मेरे को बहुत डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे को चार गाली भी दे तो अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ मैंने इम्प्रूवमेंट करा है, और हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना, मेरे को बस रियल चीज़ पे फोकस करना है और रियल इन्फो मतलब लोगों तक पहुंचाना है। मेरे को ये लाइक व्यू सब्सक्राइब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आई डोंट इवन केयर, ठीक है। सो बाहर में जाए, आपको देखना है वीडियो, देखो नहीं देखना नहीं देखो, मेरा ऐसा ही रहता है। पूजा कुमारी, सर आपका 4 साल पहले एक वीडियो देखा था, कैन यू शेयर योर इंटायर एक्सपीरियंस। ठीक है पूजा, एक्सपीरियंस क्या शेयर करूँ यार, बहुत बहुत ख़राब एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इन 4 सालों में, और एंड आई एम ट्राइंग टू कीप कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, दैट्स ऑल, एंड आई विल नॉट टेल, लाइक आई विल नॉट टेल कि मैं बहुत सब कुछ सीख के बैठा हूँ और ये वो, नहीं, आई एम डेली मैनर, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज मच एज आई कैन, इफ मतलब मेरे लाइफ में मेरे को लगता है कि मतलब कुछ चीज़ गलत मैं कर रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू, मतलब होता है ना, क्योंकि मैं एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे को लग रहा था कि मैं सिगरेट पीता था पहले, तो मेरे को लगा कि नहीं, एक गलत चीज़ है, तो मैंने उस चीज़ को मतलब इमीडिएट तो नहीं मतलब उसको छोड़ सका, मेरे को टाइम लगा उस सब चीज़ छोड़ने में। तो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू एवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, एंड मेरा एक हमेशा से एक रूल और ऐसा चाह रहा है कि मैं एक अच्छा मतलब एक अच्छा काम करूं और अच्छे लोगों के साथ मिलूं और अच्छा सा चीज़ सीखूं और लोगों को सिखाऊं, तो मतलब पढ़ना और पढ़ाना मेरा मतलब मेन मोटो है, और लोगों को हेल्प करना, ठीक है। तो ठीक है 4 साल पहले क्या मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, अभी बहुत काम कराता है कंपनी। अनिल कुमार, सर आप एक बड़ा मोटिवेटर बन सकते हो। अच्छा, ठीक है, कंप्लीमेंट है, ठीक है मैं बनूँगा, तो मोटिवेट आप ही लोग करोगे ना, तभी तो बनूँगा, अच्छा अच्छा कमेंट करोगे मेरे वीडियो में, तभी तो, ये तो इसलिए ना मेरे को वीडियो डिलीट करना पड़ा, ठीक है। ठीक है अनिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड सुप्रिया कटियार, आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हो और इतना बोल्ड कैसे बोलते हो, आई मैंने आपका एक बार क्यू स्पाइडर में आपका वो देखा, अच्छा, ठीक है 2016 में, ओके ओके, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस समय के साथ आ जाता है, जब आपको मतलब तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के परेशानी फेस कर करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो कहीं कहीं पे मेरे को भी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ हमेशा हर जगह, बट ऑलवेज कॉन्फिडेंस मतलब आपको ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, विदाउट कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट कब आएगा, जब आप एक अच्छा काम करना शुरू करोगे, इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ
इन अ डेली मैनर, नॉट लाइक एंड आपको ऐसा लगता है कि सब लोग को ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे लाइफ में कुछ स्पॉन्टेनियसली ख़राब हो रहा है और मेरे को पता भी नहीं होता है, मतलब ये चीज़ हो गया है तो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा सोचने का नहीं, ख़राब हो गया है, कुछ जानबूझ के नहीं किए, फिर भी अगर स्पॉन्टेनियसली हो जाता है तो नो नीड टू वरी एट ऑल। बट आपको उस चीज़ में मतलब रेक्टिफाई करना होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में मतलब इग्नोर करके चलना पड़ता है, और बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, बहुत लोग आपको डाउन मतलब नीचे दिखाने का कोशिश करेंगे जबकि आप नीचे नहीं हो, ठीक है, बहुत लोग आपको गलत प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, तो आप उनसे मतलब ऐसे नहीं कि तुम मुंह लगाने का ये सब करने का, बस ठीक है भगवान पे विश्वास करने का और फोकस गोल ठीक है अपना बना के रखने का, अच्छा काम करने का और अपने आप को सीखने पे ध्यान देने का, ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने आप, जब नॉलेज रहता है ना तो कॉलर खड़ा करके लोग चलते हैं, ठीक है, किसी का सुनते नहीं है, मेरिट रो वाइज, मैंने अपने बचपन से मैंने यही चीज़ सीखा है कि तुम्हारे पास अगर मेरिट है ठीक है तो वो जो लोग जो बहुत ज़्यादा जो शो ऑफ करते रहते हैं ना, एम्प्टी विसल्स विल मेक मोर नॉइज, ठीक है, मतलब लोगों को लोगों के सामने बहुत बड़ा बनना है, ओ माय गॉड यो डूड व्हाट डूड यो यो सब, ठीक है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ शो ऑफ एट ऑल एंड आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके सो सुप्रिया कटियार, सो कॉन्फिडेंस आती है आपके नॉलेज के साथ साथ और व्हाट यू आर डूइंग इन अ डेली बेसिस इन अ पॉजिटिव मैनर विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट लाइक निगेटिव एटीट्यूड, किसी को हाँ पहुँचा के, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट डैट काइंड ऑफ। सो नहीं होगा जो ओके बेटा बस छोड़ो, कल बात करते हैं तुमसे। अच्छा एक चीज़ और, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग का जॉब चला गया, ठीक है, चला गया तो क्या हो गया, नहीं होगा जॉब तो क्या हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्या? अरे यार तुम भी यार हिम्मत हार के, सिंपल सी बात है।